भाई कितने बंदे आगे बिल्ड करने के लिए, देख रहे हो भाई, देख रहे हो भाई, बेस पूरा सेट हो चुका है अपना। हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आज मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूँ पैल वर्ल्ड, जिसमें गाइस मैंने अपना एक हल्क कैरेक्टर बना रखा है। और गाइस हमने पहले दिन में बहुत सारे पैल्स पकड़े एंड गाइस हम लोग बहुत बार मरे भी थे। फिर गाइस हम लोग एक पैल को पकड़ने की कोशिश करते थे लेकिन गाइस उसको हम पकड़ नहीं पाए। बट गाइस उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे पैल पकड़े थे लेकिन गाइस आज हम लोग अपने बेस को करने जा रहे हैं लेवल अप, जिसमें गाइस हम लोग अपने बेस को लेवल 1 से लेवल ऑसम तक कर देंगे। तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आए, तो चलते थे इस अपने गेम की तरफ। तो गाइस यहाँ से हम लोग गेम में आ चुके हैं वापस अपने पैल वर्ल्ड में। और गाइस मैंने इससे पहले वाले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा मतलब प्रोग्रेस की थी और बहुत ही ज्यादा मैंने पोकेमोन भी पकड़े थे, जैसे कि देख सकते हो गाइस यहाँ पे मेरा फॉक्स स्पार्क है, यहाँ पे चिकीपी है, यहाँ पे लैम्बॉल है, यहाँ पे पैंगलॉट है, यहाँ पे क्रीमिस है और यहाँ पे वापस से क्या बोलते हैं लैम्बॉल है, यहाँ पे भी देख सकते हो पैंगलॉट। और ये भाई एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है, हुक क्रट्स करके नाम है, शायद मैं गलत दे रहा हूँ, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को लग रहा है हुक क्रट्स करके नाम है इसका। और मैंने एक और पोकेमोन पकड़ा था गूम्स करके भाई, ये भी बहुत ज्यादा प्यारा पोकेमोन है। और गाइज मैंने बहुत सारे आइटम भी लिए थे और गाइज मैंने इसको लेवल 2 का भी कर दिया, मैंने आपको बताया नहीं, जो ये मेरा बेस मतलब जो ये मेरा क्या बोलते हैं पोकेमोन को जो रखता है उसको मैंने लेवल 2 का कर दिया, उसको लेवल 3 का कर दूंगा तो शायद मेरे पास 3 पोकेमोन आ जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे अभी 2 पोकेमोन वर्क कर रहे हैं, अभी मैं इसको लेवल 3 का कर दूंगा तो यहाँ पे 3 पोकेमोन वर्क करेंगे। इसको लेवल 3 का करने के लिए बिल्ड स्टडी बेड करना, ओह मेरे को बेड बनाना होगा, लेट्स गो। ठीक है मेरे को बेड ही बनाना होगा। और मैंने बहुत सारे जो क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी एक्टिवेट कर दिए गाइज, मैं लेवल 5 या 6 का हो चुका हूँ तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी मैंने एक्टिवेट कर दी। मेरे पास फायर बो भी है तो इसको भी मैं अभी क्राफ्ट करूंगा और ये क्राफ्ट हो भी जाएगा इजिली। मैं सोच रहा हूँ फायर बो क्राफ्ट कर लेता हूँ पहले, और मेरे को अपने भाई ये जो क्या बोलते हैं पैल्स हैं इनके लिए बेड बनाना है। और भाई मैंने यहाँ पे खूब सारी चेस्ट भी रख दी जिससे गाइज ये सामान वामान इकट्ठा करे तो इसमें रख सके। और गाइज यहाँ पे एक पैल दिख रहा है मेरे को भाई, ये ड्रैम ड्रीम करके नाम है इसका, तो भाई मैं इसको पकड़ने जा रहा हूँ। पहले मैं इसको पकड़ता हूँ गाइज, फिर दूसरा, ओ भाई एक लेवल 7 का एक लेवल 3 का है, ठीक है दोनों को ट्राई करता हूँ पकड़ने के लिए। पहले यहाँ से मैं गाइस अपने पैल्स को बुलाता हूँ, यहाँ पे मेरा पैल्स कहाँ है, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ पैंगलॉट को बुलाते हैं। पैंगलॉट भाई बहुत ही सही पोकेमोन है, आ जा पैंगलॉट। और गाइस इस पर अटैक करेंगे हम लोग, चल मर। ओए मेरे को कुछ स्पीयर की जरूरत थी लेकिन गाइस पैंगलॉट इसको आराम से हरा देगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि पैंगलॉट मेरा लेवल 7 का, इसको मेरे को मारना है। ओए पड़ जा, ठीक है रुक जा। ओए पॉइजन दे दिए भाई, पॉइजन टाइप पोकेमोन है क्या, एक मिनट रुको, पॉइजन टाइप पोकेमोन है। ओ भाई मेरे पे, ओए भाई दूसरे पोकेमोन भी अटैक कर रहे हैं इसमें, रुक जा भाई गिनना नहीं है तेरे को बस। ओए ओ एक मिनट रुक जा, मेरे को पैल स्पीयर फेंकनी पड़ेगी। ओए रुक जा, मेरे को कैच करना है इसको, ये ले भाई आ जाएगा 48% चांस है, 48% चांस है, ज़्यादा नखरे नहीं। अबे यार हमला करना पड़ेगा इस पर, मैं मरने वाला हूँ क्या, ओ भाई मैं मरने वाला हूँ, रुक जा इस पर एक दो बार अटैक करता हूँ और वापस से पैल स्पीयर फेंकता हूँ। अभी खाना भी खाना है गाइस, मैं भूखा भी हूँ, मेरा खाना ऊपर बन रहा है वैसे। ओह 77 ओ भाई पकड़ लिया, लेट्स गो भाई, एक और पोकेमोन आ चुका है ड्रीम, नहीं ड्रीम करके। और यहाँ पे एक और हूट है, मैं सोच रहा हूँ इसको पकड़ लूँ, हूट बोल सकते हैं या हूट क्राट बोल सकते हो यहाँ पे, लेकिन इसकी टीम है। रुक जा भाई, पहले खाना खा लेता हूँ, रुक जाओ पैंगलॉट डेंजर में, रुक जाओ पैंगलॉट को भी खाना खिला देता हूँ। मेरे पास खाना है नहीं है यार, खाना ही नहीं है, ओ ये है तो ठीक है, थोड़ा बहुत खाना पहले अपने आप को भी खाते हैं, इसको भी देते हैं। ओ लैम्बॉल तो भूखा है बेचारा मेरा, लैम्बॉल को भी देते हैं, पैंगलॉट भी दे देते हैं, ठीक है इन सबको मैंने खाना खिला दिया है। अब मेरे को थोड़ी देर मैं हील हो जाता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे हूट एक और पकड़ लेते हैं जो फ्लाइंग टाइम पकड़ में, मैं इसको हूट इसलिए बोल रहा भाई ये मेरे को पोकेमोन में एक हूट करके पोकेमोन था भाई, बहुत ज़्यादा प्यार था। ओ भाई यहाँ पे एक और ड्रीम है, इसको लेते हैं भाई, इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, इसको यहाँ पे थ्रो करते हैं। और पहले यहाँ पे इसको, ओए एरो ही नहीं है क्या मेरे पास, लेट्स गो भाई एरो ही नहीं, रुक जाओ पहले एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे मैं स्पीयर रख लेता हूँ फिर, या तो फिर ओ फायर से मैं अटैक करूँ तो आग लगेगी क्या, मेरे को ये देखना है। ये रही फायर वाली, और ये ले इसको भाई इधर से उधर वो करके मारना पड़ता है, ए डॉच कर, ये ले मेरे, ओए मेरे हुट, ओए इसने हुट को मार दिया, बहुत प्यारा चल रहा है भाई तेरा ड्रीमी ओए नहीं ओए रुक जा भाई, कोई मारना नहीं इसको भाई, मरने वाला था भाई, ये कैप्चर रेट इसका 60, ओए आ जा मर गया, ओ मेरे को लगा मर गया, ओए हुट जा तफरी ना कर, ठीक है यहाँ पे ड्रीमी आ जाएगा। अबे कितना नौटंकी दिखा रहा है यार, ओ नो पैल स्पीयर्स, मेरे पैल स्पीयर खत्म हो चुके हैं, यहाँ पे वेलम ग्लैंस मेरे को मिल चुका है, एक मिनट को मेरे पास पैल स्पीयर पूरे खत्म हो चुके हैं गाइस, मेरे को पैल स्पीयर लेने पड़ेंगे, वेलम ग्लैंड है इसका, ओके वेलम ग्लैंड है, ठीक है ये मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम पॉइजन पैल कैन बी यूज्ड टू मेक पॉइजन एरो आजा भैया, पॉइजन एरो बना सकता हूँ, पहले मेरे को पैल स्पीयर बनानी पड़ेंगी खूब सारी। बिल्ड अप योर हाउस अंटिल इट रीच 7, ओ भाई मेरे यहाँ पे ट्यूटोरियल भी अभी चल रही है, बिल्ड अप योर हाउस
until you reach 7, increase your PAL level by capturing 30 PALs. Oh, 30 PALs मैं को capture करने पड़ेंगे, मेरे पास मैंने अभी तक 15 PAL capture की हैं. Open the option menu with escape to survive. ओए survival guide मैंने अभी तक देखी नहीं क्या. Okay, यहाँ पे survival guide है. ओ breeding भी कर सकता हूँ. हाँ मेरे को egg, मेरे को भाई इससे पहले वाले episode में दो egg मिले थे, एक ये वाला एग था, एक पॉइजन टाइप का शायद कोई एग था. ओ गाइस यहाँ पे मेरे को इसको पैल जो एग्स हैं इनको रखने के लिए. ओए लकी पाल और रेयर पाल दे कैन फाउंड अराउंड द वर्ल्ड. ओ भाई ये लकी पाल जो जायंट पाल है वो लकी पाल है, या फिर वो बोल सकते हो ये तो मरने वाला है यहाँ पे. और भी ओ भाई यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं. ओ मैं पैल को भी लेवल अप कर सकता हूँ क्या. इनहेंस पैल ओके इक्विपमेंट. ओ भाई ये है भाई बॉस टावर. ओके यहाँ पे जो एक टावर है, मतलब हर एक रीजन में एक टावर है जहाँ पे एक लीडर रिसाइड करता है, हमको उनको मारना है. ओके यहाँ पे मैप दिखा रहा है, मैप भी हमने ज्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है यहाँ पे, तो फास्ट ट्रैवल का है. पैल्स जो है भाई अपने आप काम कर रहे हैं. पहले मेरे को खूब सारे वो बनाने हैं भाई पैल्स बॉल. रुक जाओ यहाँ पे इसमें रखे होंगे, नहीं रखे. ओके ये रहा फ्रैगमेंट, और इसमें भी कुछ रखा है क्या, चेक कर लेते हैं. इसमें भी फ्रैगमेंट रखे हैं. यहाँ पे ईंटे बहुत सारे इकट्ठे हो गए भाई, ईंटे या फिर क्या बोल सकते हो आप, स्टोन्स ब्रो, स्टोन बोल सकते हो. पहले मेरे को यहाँ पे खूब सारे ओ देख सकते हो, यहाँ पे देख लो दो एग मेरे को मिले थे, ये डार्क एग है और एक ये रॉकी एग है. मैं इन सबको ब्रीड कैसे करूँगा मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे हिसाब से मेरे को कुछ बनाना पड़ेगा तब जाके होगा. यहाँ पे इसको मैक्स कर दो 15 पैल एग. तो गाइज यहाँ पे मेरी 15 की 15 पैल स्पीयर बन चुकी है. और गाइज मेरे कॉमेंट बॉक्स में जो बताना कि गाइज मेरा हल्क आपको कैसा लग रहा है, एक मिनट को यहाँ से दिखाता हूँ. ये देखो गाइज मेरा हल्की बल्की, बस थोड़ा पतला है, सस्ता हल्क है लेकिन लग प्यारा रहा है भाई मेरा हल्क. ठीक है कपड़े भी भाई मैच कर रहे हैं उस पर. तो यहाँ पे मैं आइटम रिपेयर कर सकता हूँ भाई, ये तो टूटने वाला है, इसको रिपेयर कर देते हैं, इसको भी रिपेयर कर देते हैं. ये तो फ्लेम वाला है, इसके लिए स्टोन ही कम है, स्टोन रखा होगा. ओके वहाँ पे हूट हूट है, वहाँ पे एक और पॉइजन वाला, ओ पॉइजन वाला जो मैंने लिया था. ओह मेरा खाना बन चुका है, लाओ इधर खाना लाओ, दूसरा खाना लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ मैक्स. ओके एक ही है, ठीक है इसको लगा देता हूँ बनाने के लिए. और यहाँ पे पहले मैं पैल में देखता हूँ, जो ये मैंने पैल पकड़ा है, एक और पकड़ा था नहीं वो मर गया था भाई, ये पॉइजन टाइप पैल है, तो इसको मैं सोच रहा हूँ रखने के लिए. मैं इसकी जगह रख दूँ क्या इसको, हाँ मैं सोच रहा हूँ इसकी जगह इसको रख देता हूँ. आ जाए इधर, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं. मेरे को ये देखना है कैसा पैल है, लेवल 7 के पैल है मेरे पास, बस पैंगलॉट लेवल 6 का है, तो इसको भी अपग्रेड कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं. पहले यहाँ पे चेक करते हैं पार्टी में, इनको लेवल अप करने का ऑप्शन कहीं से दिखा रहा था. ठीक है मेरे को एक पहले, हाँ भाई मेरे को अपने पैल्स के लिए बेड बनाना है. पहले रुक जाओ, मेरे को अपने पैल्स के बेड बनाना है. बेड बनाने के लिए वो बैरी प्लेटफॉर्म, मैं बैरी भी उगा सकता हूँ. मेरे को भाई कुछ कमी लग रही है, मेरे को लग रहा है ऐसा. यहाँ पे फर्नीचर भी देख सकते हो, मैंने इतना सब कुछ एक्टिवेट कर दिया भाई, लेकिन मेरे पास मटेरियल वुड नहीं है अभी. ओके ये रहा, इसको बनाने के लिए वुड की जरूरत है और स्टोन की जरूरत है. ये क्या है स्टैचू, ओ भाई स्टैचू भी बना सकता हूँ मैं. ठीक है एक टाइप का स्टोन स्ट्रक्चर, ये सिर्फ मतलब सजाने वजाने काम आएगा इतना जान लो. यहाँ पे पैल गियर वर्क बेंच, ओ पैल गियर वर्क बेंच, इसमें क्या पैल के गियर बन सकते हैं. इसको बनाने वाला है भाई, इसको बनाने वाला है, और ये बनाने वाला पैर के लिए बेड बनाना है मेरे को, और खाने वाला भी बनाना है. पहले ये सब बना देते हैं गाइस, फिर आते हैं यहाँ पे. मेरे को खूब सारी लकड़ियाँ चाहिए होंगी उसके लिए, और लकड़ियाँ मिलेंगी मेरे को. ओ पत्थर तो यहाँ पे बहुत सारे पत्थर तो मेरे को मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं. पहले लकड़ियाँ काटते हैं, खूब सारी लकड़ियाँ चाहिए मेरे को, तब जाके काम बनेगा गाइस, तब जाके काम बनेगा. ओ गाइस मेरे पास आइटम हो चुका है, तो पहले पैल्स के लिए भाई फीडिंग वाला बनाते हैं. जो पैल्स खाना खाएंगे तो उनके लिए बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से. यहाँ पे बना देते हैं, दो सोच रहा हूँ मैं बना दूँ अगर बन जाए तो. ठीक है यहाँ पे पहले होल्ड करता हूँ, मेरे दोनों भाई पैल्स आ चुके हैं मदद करने के लिए अपना ही खाना बनाने के लिए. तो यहाँ पे पहले एक रख देता हूँ, मैं सोचा दो रख दूँ. ठीक है यहाँ पे ओपन करता हूँ, यहाँ पे बैरी डाल सकता हूँ शायद मैं, हाँ भाई बैरी डाल सकता हूँ, बैरी रख देता हूँ यहाँ पे. इनको भाई पेट तो भरेगा कम से कम. ठीक है मेरे को यहाँ पे रखना पड़ेगा खाना, तो ठीक है अभी के लिए एक ही रख देते हैं. फिर इनके लिए बेड बनाने, मेरे को बेड बनाना है. ये तो बैरी, ओ यहाँ पे बैरी प्लांट भी कर सकता हूँ मैं भाई, ये बढ़िया रहेगा, लेकिन इसको अभी नहीं करूँगा मैं. पहले मैं सोच रहा हूँ पैल्स के लिए बेड बना देता हूँ, और अपने लिए भी बेड चाहिए होगा. तो यहाँ पे एक बेड रख देते हैं, और अपने पैल्स वो बनाते रहेंगे. यहाँ पे एक और बेड रख देता हूँ मैं, अगली बगल ज़्यादा प्यारा रहेगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा. रुक जाओ, अपने लिए अभी घर भी नहीं बनाया मैंने. ठीक है यहाँ पे एक और रख देता हूँ, और इसको मैं बना देता हूँ. ओके गाइस यहाँ पे दोनों बेड बन चुके हैं, और उनका फीडिंग ग्राउंड भी बन चुका है. मैंने बगल में फीडिंग ग्राउंड बना रखा है, बगल में बेड बना रखा है. और मेरे को क्या बनाना था अपने लिए, तो बेड मैं बाद में देख लूँगा. रुक जाओ भाई मैं घर भी बना सकता हूँ वैसे, लेकिन अभी तक मैं सोच नहीं रहा हूँ घर बनाने का, लेकिन सोचना तो पड़ेगा भाई उसके लिए. ओ भाई ये बनाना है मेरे को, रुक जाओ रेंच बनाना है. ओके मैं यहाँ पे शीप रेस कर सकता हूँ, जो मेरे क्या बोलते हैं फर बॉल है उनको रेस कर सकता हूँ, तो उसके लिए मेरे को 50 वुड की जरूरत पड़ेगी भाई. मैं एक और ये बना सकता हूँ क्या,
ओ भाई मैं एक और ही बना सकता हूँ भाई, इसको बना देते हैं यार, ये बहुत औसम चीज है, शायद ये एक ही बन सकता है एक बार में, तो ठीक है। ओ एक और चीज मेरे को बनानी थी गाइस, जो है अपना ये नहीं है प्रोडक्शन में, हाँ ये भाई पैल गियर, तो इसके लिए वुड चाहिए होगा। वापस चलते हैं भाई, पहले वुड लेके आते हैं, भाई मैं अपनी जगह से नहीं निकल पा रहा हूँ यार, पहले चलते हैं वुड लेके आते हैं खूब सारा। तो गाइस मैं यहाँ पे वुड इकट्ठी करके लेके आ चुका हूँ, पहले यहाँ पे बना देते हैं पैल वर्क बेंच, तो ये काम आएगी शायद पैल के इक्विपमेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे रख दिया है, मैं इसको होल्ड करके तुरंत बनाता हूँ, यहाँ पे मेरे दूसरे पैल भी मदद करेंगे तो तुरंत ही बन जाएगा ये। ओके गाइस यहाँ पे वर्क बेंच बन चुकी है पैल्स की, और यहाँ पे नो यूजेबल रेसिपी ट्राई अनलॉकिंग टेक्नोलॉजी मेन्यू से मेरे को रेसिपी अनलॉक करनी पड़ेगी, तब जाके मैं इसका यूज कर। ओ भाई गन भी है यहाँ पे, भाई गन, भाई क्यों गन, मुर गन, दुर गन, और वो भी शॉर्ट गन है भाई। ठीक है मेरे को ये एक तो ये बनाना था, लेकिन एक और चीज बनानी है गाइज, मेरे को अभी एक और चीज बनानी है, वो है भाई रेंच। रेंच के लिए वुड नहीं है भाई, भाई मैं क्या करूँ यार, वुड खत्म हो जा रहा है भाई। वुड है क्या यहाँ पे? ओ दो वुड है यहाँ पे, ठीक है चार वुड हो चुका है। ये क्या है? वो मेरे को वीट मिला है। तो गाइज यहाँ पे मैं वुड इकट्ठा करके लेके आ चुका हूँ, तो गाइज मेरे को पहले बनाना है यहाँ पर रेंच। मेरे हिसाब से ये जगह सही रहेगी, इसका मुंह इधर साइड को कर देते हैं ओपन, और थोड़ा सा पीछे की तरफ हटते हैं। अबे लैम्प बॉल हट जा भाई, एक मिनट उसको बुला ही लेता हूँ अपने पास, एक मिनट कैंसिल करता हूँ यहाँ से, लैम्प बॉल वापस आ जा मेरे पास, और वापस चलते हैं यहाँ पे बनाते हैं रेंच। मेरे हिसाब से यहाँ सही रहेगा, हाँ यहाँ सही रहेगा, इसको बनाते हैं भाई, इसको बनने में टाइम लगने वाला है, तो थोड़ी देर में मिलता हूँ मैं इसको बनाने के बाद। मैं शायद यहाँ पे एग भी रख सकता हूँ। ओके गाइस यहाँ पे मेरा रेंच बन चुका है, और रात भी हो चुकी है भाई, मेरे को अपने लिए घर बनाना पड़ेगा जिससे गाइस मैं सो सकूँ। मैं सोच रहा हूँ भाई अंडे यहाँ पे आएंगे नहीं आएंगे, यहाँ पे मैं वी से ओके, ये क्या था? ओके मैं यहाँ पे लैम्प बॉल फंसा सकता हूँ, रुको रुको रुको, मेरे पास दो तीन लैम्प बॉल और हैं, जो मेरा लैम्प बॉल है मैं उसको वापस बुला लेता हूँ भाई। एग मैंने ले लिए हैं, और एग शायद मैं यहाँ पे प्लांट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, मेरे को ये देखना है। नहीं यार एग प्लांट ही नहीं हो रहे हैं। ओके गाइस रात होगी, मैं सोच रहा हूँ गाइस पहले यहाँ पे अपने पैल्स के लिए खाने के लिए भाई बैरी वाला सिस्टम बना दें, जिससे गाइस मेरे को ज़्यादा खाना ढूंढने उड़ने इधर नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये प्लांट बैरी, यहाँ पे वुड की मतलब स्टोन की कमी है, वुड तो है स्टोन की कमी है, तो पहले चलते हैं गाइस स्टोन थोड़ा बहुत तोड़ के आता हूँ मैं। यहाँ पे और दिख रहा है, यहाँ पे स्टोन दिख रहा है, ये तो पैल्स तोड़ देंगे, ये वाले स्टोन को तोड़ता हूँ, मेरा काम बन जाएगा। ओ भाई सामने मेरे को टावर दिख रहा है, ओ भाई वो देखो सामने ये जो टावर है, मेरे को यहीं पे जाके बॉस को डिफीट करना है, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा अभी अंडर लेवल जितना मेरे को लग रहा है, तो दिक्कत में आ जाऊँगा पहले भाई। यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे पोकेमॉन है, यहाँ पे हुट हुट भी है जो अपना हुट हुट जो हुट हुट करता है। तो गाइज मेरे पास यहाँ पे मटेरियल हो चुका है, तो गाइज मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बैरी वाला, पहले एक लगा देते हैं, यहाँ पे बिल्ड करना चालू करते हैं, और थोड़ी देर में मैं आपको मिलता हूँ, क्योंकि गाइज रुक जाओ अकेले क्यों बिल्ड कर रहा हूँ, इसको बुलाता ना, मेरा जो लैम्प बॉल है वो मदद करेगा बिल्ड करने में। भाई इसमें बहुत ज़्यादा काम है भाई बैरी उगाने, पहले मैंने बैरी लगाई, अब वाटर डाल रहा हूँ, अभी वेट करना पड़ेगा फिर ग्रो होने के लिए, भाई बहुत काम है यार इसमें तो। ओके गाइस यहाँ पे मैंने वाटर भी दे दिया है प्लांट को, तो गाइस यहाँ पे मेरी बैरी थोड़ी देर में ग्रो हो जाएंगी। मैं एक और सोचा बना लेता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो सॉरी गाइस बन नहीं सकता, तो भाई अभी बनाऊंगा नहीं, मैं अभी मैं सोच रहा हूँ ये लेवल अप होगा नहीं होगा, मेरे को ये देखना है जो मेरा पैल वाला है, यहाँ से मैं फास्ट ट्रैवल भी कर सकता हूँ। ओ गाइस मेरे को स्टडी बेड बनाना पड़ेगा अपने लिए, तब गाइस ये लेवल अप होगा, तो मेरे को भाई अपने लिए घर बनाना पड़ेगा तब जाके लेवल अप होगा, उसके लिए मेरे को चाहिए होगा खूब सारा वुड चाहिए होगा, और पत्थर चाहिए होंगे, तो पहले अपने लिए घर बना लेते हैं, वहाँ पे भाई एक बेड बना लेंगे अपने लिए। तो मेरे पास जितना भी बेकार का आइटम है जो ये सब है, इन सबको मैं हटा देता हूँ, खूब सारा वुड काट के आता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। ओके गाइज यहाँ से सुबह भी हो चुका है, और गाइज मैं वुड कलेक्ट करके भी आ चुका हूँ, मेरे को यहाँ पे थोड़े बहुत स्टोन की जरूरत होगी जितना मेरे को लग रहा है, तो स्टोन भी मैं ले लेता हूँ यहाँ से। वैसे भी मैं ओवर ज़्यादा वेट हो चुका हूँ यार, बहुत ज़्यादा वेट हो चुका है मेरे पास, तो यहाँ पे स्टोन कहीं पे होगा यार, इतनी सी लकड़ियाँ कलेक्ट करने में ज़्यादा वेट हो गया मेरा, यहाँ पे भी नहीं है स्टोन, सामने वैसे दिख रहा है मेरे पैल्स ने कलेक्ट किए होंगे, इसमें डालना है स्टोरेज में। ओके ये रहा स्टोन्स, ठीक है ओके मिनरल्स रख देते हैं यहाँ पे, और मेरे पास बहुत ज़्यादा थे तो मैंने वो रख दिया, यहाँ पे थ्रेड रख देता हूँ, ठीक है मेरे पास वेट कम हो गया है थोड़ा, तो पहले मैं सोच रहा हूँ अपना घर बनाऊँ कहाँ, यहीं बना देता हूँ सोच रहा हूँ गाइज, मैं अभी छोटा सा नॉर्मल सा बना देता हूँ जहाँ पे मैं बेड लगा सकूँ। तो यहाँ पे फर्नीचर है, ये स्टोरेज है, कहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे होगा फाउंडेशन, ठीक है यहाँ पे फाउंडेशन बन सकती है, यहाँ पे वुड फाउंडेशन है मेरी, यहाँ पे वॉल विंडोज़ हैं, यहाँ पे डोर है, यहाँ पे स्टेयर है, ठीक है यहाँ पे पहले फ्लोर बनाते हैं गाइस, तो पहले फ्लोर सीधा बनाते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं, अब थोड़ा इधर चलते हैं, एक और लगाना पड़ेगा भाई, भाई एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या भाई, ऐसे टाइम लग जाएगा। ठीक है मैंने यहाँ पे फ्लोरिंग तो लगा दी अपने घर की, अब मेरे को लगानी है गाइस वॉल्स, तो पहले वॉल्स लगाते हैं, यहाँ पे पीछे का हिस्सा ये बंद कर देते हैं,
अबे यार बार बार सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या, कोई इजी तरीका नहीं है क्या? ओके बिन कंटिन्यूसली, ठीक है यहाँ पे आ तो रहा भाई। लेफ्ट से मैं बिल्ड कंटिन्यूसली कर सकता हूँ। यहाँ पे ये लगा देते हैं, इधर साइड भी ये लगा देते हैं, बीच में सेंटर में दरवाजा रखेंगे। सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे इधर और यहाँ पे इधर, और इधर साइड में सोच रहा हूँ एक विंडो रखेंगे पीछे की साइड, जिससे गाइस मैं चेकआउट कर सकूँ व्यू को। तो यहाँ पे विंडो वाली दरवाजा यहाँ लगा देते हैं। रुक जाओ अब यहाँ आ जाए, ठीक है यहाँ पे विंडो लग चुका है हमारा, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा दरवाजा, जो अपना डोर है ये रहा, ये लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है मेरे को रूफ लगानी है, तो ये वुडन, ये ठीक है गाइस, यहाँ पे वुडन स्टैक रूफ भी है और यहाँ पे वुडन ट्रायंगल है, तो मैं ट्रायंगल भी लगा सकता हूँ गाइस। एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ, ये ऐसे लगता है, ऐसे लगता है। एक ट्रायंगल यहाँ लगा देते हैं, अबे यार गलती से मैंने ये लगा दिया, और एक ट्रायंगल लगा देते हैं यहाँ पे, और एक ट्रायंगल लग जाएगा हमारा यहाँ पे, अपना घर भी थोड़ा प्यारा लगेगा। मैं सोच रहा था थोड़ा नॉर्मल लगाऊंगा, वैसे नॉर्मल ही है, ज़्यादा हैवी नहीं है। ठीक है मैं सोच रहा हूँ इसमें ये लगेगा जितना मेरे को लग रहा है। एफ से खुलेगा, मैं बाहर जाके चेकआउट करता हूँ। बस मेरे को रूफ बनानी है, रूफ के लिए ओके ये लगेगा तो ऐसे ही, लेकिन ये लग नहीं रहा है। ओ मैं अपने घर के ऊपर भी चढ़ सकता हूँ, वेट अपने घर के ऊपर चल के देखता हूँ मैं। ठीक है अब ये यहाँ से लग जाए, ओके यहाँ से लग जाएगा, ठीक है भाई ऐसे लग जाएगा। ठीक है मेरे को ऐसे ही इसको कंटिन्यू करना है। मैं नीचे गिर गया। तो गाइस फाइनली मेरा घर बन चुका है, दिखाता हूँ मैं गाइस आप लोगों को। ये देखो गाइस मेरा घर, मैं यहाँ पे विंडो लगाना भूल गया गाइस, पहले मेरे को यहाँ पे एक विंडो लगानी पड़ेगी भाई। इधर साइड भी एक विंडो लगेगी तभी तो अच्छा लगेगा। रुक जाओ पहले यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय करते हैं और यहाँ पे बनाते हैं गाइस एक ऑसम सी विंडो। भाई सामने की तरफ एक विंडो होगी तभी तो मजा आएगा। पहले मैं यहाँ पे एक बेड बना देता हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे बी दबाते हैं और यहाँ पे स्ट्रक्चर में जाते हैं। ये रहा गाइस अपना ऑसम सा किंग साइज बेड, वैसे छोटा सा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे डबल भी कर सकता हूँ मैं इसको और फर्नीचर भी लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे। पहले मैं इसको बिल्ड कर देता हूँ। एफ से मारते हैं यहाँ पे, मेरी कोई पहल मदद करेगा क्या, बाहर से मदद कर रहा है। तो गाइज यहाँ पे अपना बेड भी बन चुका है, मैं यहाँ पे सो भी सकता हूँ और रात भी कर सकता हूँ। वेकअप कैसे होगा, अभी से वेकअप हो रहे, बहुत ज़्यादा सो जाएगा तो वरना रात हो जाएगी। ठीक है मैं थक गया यहाँ पे भाई, सो के भी उठ चुका हूँ। मैं यहाँ पे चेयर भी बना सकता हूँ, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ गाइज। यहाँ पे देख सकता हूँ मैं चेयर बना सकता हूँ, वुडन चेयर, बेंच भी बना सकता हूँ। वुडन बेंच मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, देखो जैसे सेंटर में यहाँ पे बना दी, वैसे मैं बना सकता हूँ लेकिन अभी बनाऊंगा नहीं। यहाँ पे से मेरे को ये बनाना था और मेरे को चेकआउट करना है कि ये लेवल अप हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि गाइज इसमें बोल रहा था मेरे से कि अगर आप बना दोगे, देखो बेड बना दोगे तो आपका बेस अपग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे बेस में लेवल 3 का हो चुका है गाइस, लेट्स गो। ओके यहाँ पे मेरे को एक स्ट्रॉ पाल बेड एक और बनाना है। तो गाइस यहाँ पे बस मेरे को एक पैल और ऐड कर सकता हूँ मैं यहाँ पे काम करने के लिए। तो यहाँ पे हैंडी वर्क कौन है, ये करता है, ये नहीं करता, ओके ये भी मदद करता है, तो इसको बाहर रख देते हैं अपने जो पैंगलॉट है। और यहाँ पे एक और बेड बना देते हैं अपने, क्या बोलते हैं, पैंगलॉट के लिए। तो बेड कहाँ पे गया भाई, बेड ठीक है ये रहा बेड, और इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे। रुक जाओ यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, और इसको नहीं यहाँ पे नहीं आ सकता, वेट यहाँ पे आ सकता है, तो इसको यहाँ बना, अबे नहीं बनाना था, रुक जाओ बिल्ड करना चालू करते हैं। यहाँ से अपना हाथ लगाते हैं और पैंगलॉट भी अपना बेड खुद ही बनाएगा भाई। देखो 4, 3, 2, 1 और 0 का यहाँ पे अपना बेड बन चुका है, लेट्स गो भाई। यहाँ पे खाने के लिए भी चीज़ें हैं कि नहीं है, ठीक है भाई ये भी ख़त्म हो रहा है इन लोगों का। मेरे पास बैरी रखी हुई थी खूब सारी, रुको हाँ ये देखो गाइस बैरी रखी हुई है, यहाँ पे बैरी है खूब सारी। और इसमें क्या है, ओके शायद मैं इनको प्लांट कर सकता हूँ गाइस, इसमें प्लांट कर सकता हूँ यहाँ पे होल्ड। ओ मैं यहाँ पे और भी सीड डाल सकता हूँ भाई, पहले रुको मैं इसमें सीड डाल देता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। ओ भाई एक मिनट, देखो ये देखो पैंगलॉट भी पानी डाल रहा है, रुको मैंने डाला, देखो पैंगलॉट भी पानी डाल रहा है भाई। मेरे को पानी डालने की जरूरत ही नहीं है, पैंगलॉट मेरा पानी डालेगा। मैं इसको लिफ्ट भी कर सकता हूँ, देखो ये उठाया, अच्छा थ्रो बेफर्जी का थ्रो करो चाहे भाई, सॉरी भाई पानी डाल तू भाई पानी डाल। ठीक है मैं इसको अपग्रेड कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो 5 एक और पैंगलॉट आ जाएगा, मतलब पैंगलॉट नहीं आएगा, एक और पोकेमॉन आ जाएगा, लेट्स गो भाई एक और पोकेमॉन आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं चिकी पी को रख सकता हूँ, चिकी पी मदद करेगा यहाँ पे फार्म में, ठीक है जो मैंने रेंच बनाया वहाँ पे मदद करेगा चिकी पी। तो चिकी पी वहाँ पे मैंने भेज दिया है, अब मैं इसको अपग्रेड करने के लिए, जो मेरा बेस है उसको अपग्रेड करने के लिए मेरे को चाहिए होगा डिप्लॉय अ वर्क पैल टू द बेस। ओ भाई ये अपग्रेड हो चुका है, लेट्स गो भाई तुरंत अपग्रेड हो रहा है भाई, लेवल 5 का हो गया। बिल्ड अ स्टैचू ऑफ पावर, ठीक है मेरे को पावर वाला स्टैचू बनाना है, लेट्स गो भाई पावर वाला स्टैचू अभी बना देता हूँ मैं। पावर वाला स्टैचू जो मेरे को बनाना है ये वाला था, ओके ये रहा स्टैचू ऑफ पावर। तो इसको बनाऊंगा तो मेरा बेस और भी अच्छा इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ भाई, मैंने अभी तक लेकिन उसको कैप्चर नहीं किया, मेरे को अगर वो दिख भी नहीं रहा है दिक्कत की बात ये, वरना उसको मैं कैप्चर कर लेता, जो मेरा डायनोमोन था ऐसी करके कुछ था। मैं इसको कहाँ रखाऊँ, इसको मैं सोचा यहाँ लगा दूँ भाई प्यारा लगेगा।
ठीक है, इसको होल्ड करते हैं और इसको बनाने में मदद करेगा हमारे भाई। ये मेरे को उसकी तरह लगता है यार, लुकारियो की तरह भाई, वैसे ही स्टैचू लग रहा है मेरे को लुकारियो टाइप का भाई, जो पोकेमोन में लुकारियो था भाई, बहुत ज्यादा ऑसम पोकेमोन है, फाइटिंग और हाँ फाइटिंग टाइप पोकेमोन था भाई लुकारियो, और सेकेंडरी टाइप कोई था नहीं उसका, सेकेंडरी टाइप मेरे को दिखता ध्यान है कोई था नहीं। और गाइस यहाँ पे ओ भाई मैं इनहेंस कर सकता हूँ, ठीक है मैंने इसको इनहेंस कर दिया है, रिक्वायर 4 ओके। यहाँ पे एग भी, ए रुको रुको ये एग लेके कहाँ जा रहा है, ओ भाई ये लोग एग वैग भी ला रहे हैं। एक मिनट को, यहाँ पे भाई खाना बन चुका है, खाना लाओ, और इधर मैं कुछ खाने के लगा देता हूँ, वापस एग लगा देता हूँ, यहाँ पे एक और एग लगा दिया है मैंने, और यहाँ पे वापस मैं इसको लेवल अप कर सकता हूँ, इतना मेरे को लग रहा है। लेट्स गो भाई, इसको मैं लेवल 7 का आराम से कर दूंगा। ओ भाई बिल्ड क्रशर, बिल्ड स्टोन पिट और बिल्ड लॉगिंग स्टेशन, ओके मेरे को 3 चीज बिल्ड करनी है। ओ भाई बैरी आ चुकी है भाई, मेरे पोकेमोन देखना, ये देखो पैल देखना जा रहा है, अभी देखो ये बैरी तोड़ने जा रहा है, हार्वेस्ट कर रहा है, फिर मेरे को बैरी लगानी भी होती है। पहले मेरे को भाई क्या बोला है, बिल्ड क्रशर करना है। अब बिल्ड क्रशर कहाँ से आएगा, गुड क्वेश्चन। ओके ये रहा लॉगिंग बेंच, ठीक है ये रहा लॉगिंग स्टेशन, जिसके लिए मेरे को खूब सारा वुड चाहिए होगा, मेरे को इसको बनाना है और स्टोन पिट भी बनाना है, स्टोन पिट के लिए मेरे को खूब सारा वुड चाहिए होगा इसके लिए भी, लेट्स गो। और क्रशर नहीं मेरे को दिख रहा है, ओके ये रहा क्रशर, इसके लिए भी मेरे को गाइस वुड की जरूरत होगी, मेरे को खूब सारे वुड की जरूरत पड़ेगी गाइस, खूब सारे वुड की जरूरत पड़ेगी। तो गाइज मैं ये 3 चीज बना दूंगा तो बहुत ही ज्यादा औसम है, रुक जाओ गाइज, खूब सारा वुड लेके आता है, इन तीनों को भी अभी बना देते हैं। ओके गाइज मेरे पास थोड़ा बहुत वुड है तो मैं सोच रहा हूँ क्रशर और वो सब बना ही देता हूँ, रुक जाओ। हाँ यहाँ पे बिल्डिंग में जाता हूँ, ये देखो लॉग नहीं यार कम, ओके ये बना सकता हूँ मैं, स्टोन पिट बना सकता हूँ शायद, जहाँ पे स्टोन हम लोग वो कर सकते हैं, माइन कर सकते हैं और अपने पास स्टोनी स्टोन हो जाएगा, ठीक है इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं रख देता हूँ कोने में, यहाँ पे अपने जो भी पैल्स हैं वो अपने आप स्टोन तोड़ेंगे और काम करेंगे गाइज। यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, पैल आ जाए यहाँ पे, इसको बिल्ड करने में मदद कर मेरी, एक मिनट रुक जाओ भाई, यहाँ पे बिल्ड करने में मैं भी मदद करता हूँ, जल्दी बिल्ड हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे अपना बन चुका है, और आप लोग सोच रहे होंगे गाइज कि मैंने इसको बनाया क्यों है, यहाँ पे देख सकते हो गाइज यहाँ पे पत्थर हम लोग माइन कर सकते हैं, और भी मिल सकता है हम लोग इसमें, बहुत सारी चीजें मिल सकती है। तो यहाँ पे मेरे जो भी पैल्स हैं वो वर्क करेंगे और मेरे को भाई यहाँ से अनलिमिटेड स्टोन मिलेगा, अनलिमिटेड स्टोन मिलेगा, जैसे मैं वुड वाला बना दूंगा मेरे को वहाँ पे अनलिमिटेड ट्री मिल जाएगा। और यहाँ पे क्रशर शायद यहाँ पे ये क्रश करने के लिए चीज है, मेरे को इतना लग रहा है, इसका मेरे को पता नहीं है, यहाँ पे लिख रखा है ओके हम लोग इसमें वुड और स्टोन डाल के मटेरियल कोई बना सकते हैं जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं अदर मटेरियल के लिए, बहुत सही रिक्वायर्ड पैल विद वाटरिंग, ओके हम लोग को एक पैल चाहिए को जो वाटरिंग कर सकता है, हम लोग का जो क्या बोलते हैं पैंगलॉट है वो वाटर दे सकता है, ओके ठीक है हम लोग का भाई इजिली बन सकता है, ये इजिली बन सकता है, हम लोग को बस पैल्डिंग फ्रैगमेंट की जरूरत है और गाइस वुड की जरूरत है, इजिली ये भी बन जाएगा, उसके लिए भी भाई पैल्डिंग फ्रैगमेंट और वुड की जरूरत है, ये यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ठीक है मेरे को 7 स्टोन मिल चुका है गाइस। पहले मैं चलता हूँ खूब सारा वुड तोड़ता हूँ फिर गाइस, ओके यहाँ पे देखो पत्थर पड़े हुए हैं खूब सारे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें रखेंगे, फ्रैगमेंट मिल चुके हैं, पहले मैं अपने आपको हल्का करके आता हूँ क्योंकि गाइस हल्का है तो मलका है। ओ यहाँ पे ओ देख सकते हो यहाँ पे भाई, एक मिनट यहाँ पे मटेरियल अपने आप गिर रहा है क्या, पता नहीं भाई, ओ यहाँ देख, ओ भाई यहाँ पे एग है भाई, यहाँ पे देख सकते हो भाई क्या चीजें भाई मिल रही है मेरे को मुफ्त की, ठीक है भाई मेरा ये जो इन्वेंटरी है भी भरती जा रही है तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ज्यादा भरे ना। यहाँ पे ऑमलेट मैं बनाने के लिए लगा देता हूँ, यहाँ पे एक ऑमलेट बन चुका है, यहाँ पे वापस से ऑमलेट लगा देते हैं हम लोग। ओके आज मैं सामान इकट्ठा करके आ चुका हूँ अपने बेस में भाई, बहुत ज्यादा दूर चला गया था मैं सामान इकट्ठा करते करते, तो मैं वापस अपने बेस में आ चुका हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, देखो गाइस बन सकता है भाई क्रशर बन सकता है, तो पहले ये बना देते हैं वुड वाला, क्योंकि गाइस हम लोग के सारे फार्म यहीं पे हैं, मैं सोचा हूँ वुड वाला भी यहीं बना देते हैं, बगल में ज्यादा सही रहेगा। हाँ तो यहाँ बना देते हैं इसको और इसको बिल्ड करना चालू करते हैं, पहले यहाँ पे बिल्ड हो रहा है तो मैं सोचा यहाँ पे एक और बना देते हैं जो अपना क्रशर है, तो क्रशर को भी यहीं बगल में बना देते हैं गाइस, बढ़िया रहेगा, ठीक है क्रशर भी मैंने लगा दिया। यहाँ पे भाई मेरे पैल्स जो 3 पैल्स हैं, ये मेरा पैल कहाँ है, चल ओए बाहरा पैल, ठीक है मैं एक और पैल लगा सकता हूँ, तो मेरे को लग रहा है, ठीक है वो बिल्ड कर रहे हैं अपने आप, जैसे ही वो बिल्ड हो जाएगा 4 पैल तो होने चाहिए, ओके 3-4 पैल यहाँ पे भी है भाई, 3-4 पैल यहाँ पे मजे कर रहे हैं, बढ़िया भाई मजे करते रहो तुम लोग, लेकिन मेरे को 1-2 पैल वैसे भी लगाने पड़ेंगे तब जाके मेरा काम बन पाएगा, देख सकते हो यहाँ पे, ओ भाई मैं यहाँ पे और भी पैल लगा सकता हूँ, भाई लगाओ यार क्या कर रहे हो राहुल, ये काम नहीं, ये काम नहीं करता है मेरे हिसाब से, ये काम करता है, ये नहीं काम करता है, ये भी काम नहीं करता है, इसको रखो भाई यहाँ पे, जो काम करने वाले उनको बुलाओ भाई, जैसे ये काम कर सकता है, ये काम कर सकता है, जैसा मेरे को लग रहा है, नहीं ये भी काम नहीं करता है भाई, ये काम करता है, तो इनको बुलाओ भाई बाहर, जितने भी काम करने वाले हैं उनको बाहर बुलाओ भाई, तभी मजा, ए ये कहाँ चला गया, तू आना इधर आ भाई, काम करता है भाई, अबे यार तू काम करता है इधर आ, ठीक है भाई सबको मैंने बाहर बुला लिया, मेरे को यहाँ पे बेड लगाने पड़ेंगे शायद सबके लिए, भाई कितने लगाने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेड और लगाने पड़ेंगे, मतलब 3 बेड तो लगे, 3 बेड और लगाने पड़ेंगे, तो उनको भी मैं लगा देता हूँ, वो तो मैं ही बना दूंगा बेड, जॉन
यहीं पे बना देते हैं भाई सबके लिए बेड, और भाई इन सबके लिए अलग से घर भी बनाना पड़ेगा मेरे को लग रहा है भाई। दो और एक और बनाना है भाई बेड, और एक बेड बन जाएगा तीन भाई। यहाँ पे तो भाई पाइल्स की कमी नहीं है भाई, इसको भी भर देता हूँ मैं। बहुत सारी बैरी लेके आया था इससे गाइस इनका पेट भरता रहे, तो मैंने यहाँ पे बैरी डाल दी है। और इसमें एग, एग क्या कर रहा है भाई, एग इधर डाल लो, अंडा बनाने के काम आएगा। ठीक गाइस यहाँ पे पैल तैयार है भाई, ये देखो अपने आप बिल्ड कर रहे हैं भाई, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं। एक हंगरी है भाई पैल मेरा ये। ओके यहाँ पे खाना खाने आ जाएगा अपने आप, देख सकते हो गाइस यहाँ पे मेरा वुड फार्म भी बन चुका है, यहाँ पे ये भी फार्म बन चुका है। तो भाई बस यहाँ पे पैल्स अब इकट्ठा होंगे, यहाँ पे वर्क करेंगे और भाई अपना काम चालू है। जब मन 99 वुड कहाँ पे कलेक्ट हो सकती है आराम से। देखो जैसे यहाँ पे काटा एक वुड बढ़ गई, तो यहाँ पे शायद मेरे पैल्स काम करेंगे नहीं करेंगे। कैटिवा की जरूरत पड़ेगी भाई, कैटिवा वहाँ पे वर्क कर रहा है, वहाँ पे माइन कर रहा है। कैटिवा मेरे हिसाब से पत्थर था तोड़ने ज़्यादा काम आता है, मेरे को शायद कैटिवा लेना पड़ेगा। हाँ माइनिंग काम कैटिवा आता है और कोई नहीं आता भाई, तो मेरे हिसाब से मेरे को 3-4 कैटिवा पकड़ने पड़ेंगे। पहले भाई चलते हैं 3-4 कैटिवा पकड़ते हैं भाई, माइनिंग काम वही आते हैं, तो कैटिवा मैं लेके आता हूँ। कैटिवा मेरे को ईजिली मिल जाएगा मेरे को लग रहा है। एक मिनट रुको, उससे पहले भाई अपना बेस अपग्रेड करते हैं भाई, बेस अपना लेवल 7 का हो जाएगा। देखो दिखाता हूँ गाइस, ये देखो और अपग्रेड भाई लेवल 7 का हो चुका है। बिल्ड हॉट स्प्रिंग बिल्ड। ठीक गाइस मेरे को हॉट स्प्रिंग बिल्ड करना है और फर्नीचर लगाना है और प्लांटेशन करना है भाई, मतलब प्लांट लगाने जो ये मैंने लगाया, एक और ये लगा दूंगा तो भाई मैं लेवल 8 का हो जाएगा मेरा बेस। पहले मेरे को एक दो कैक्टिवा पकड़ने हैं भाई, कैक्टिवा बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, जो ये वर्क करेंगे शायद कैक्टिवा ही करेंगे। और इसके लिए क्या चाहिए, इसमें शायद मेरे को लकड़ियाँ वकड़ियाँ लानी पड़ेंगी तब जाके होगा क्या, ऐसे ही कुछ है। रुक जाओ पहले मैं कैक्टिवा पकड़ के आता हूँ भाई, मेरे पास स्पीयर तो बहुत ज़्यादा है, एरो नहीं है लेकिन। ओ एरो है, ये कौन है भाई, एक मिनट जो यहाँ पे मर्चेंट आया है कोई, इससे मैं बात कर सकता हूँ क्या या फिर इसको मार दूँ। एरो ही नहीं है भाई, क्या मारेगा, रुक जाओ इससे मारता हूँ। ओ भाई मैं मर्चेंट को मार रहा हूँ भाई, मार देते, रुक जाओ मार देते हैं भाई। ओ आग लगा थी, मेरे से क्या लड़ेगा भाई तू, मैं इसको कैप्चर भी कर सकता हूँ क्या। और ये गया भाई, मेरे को 3-4 कैक्टिवा पकड़ने काम आ जाएगी। मार दिया भाई मर्चेंट को मैंने। वो देखो कैक्टिवा वहाँ पे है मेरे को, ओ भाई वहाँ पे ऊपर चेस्ट भी है, रुको रुको पहले मैं चेस्ट भी लेके आता हूँ। और यहाँ पे पहले रख लेता हूँ मैं स्पीयर, कहाँ है भाई मेरी स्पीयर ही नहीं है। ओ भाई यहाँ पे चेस्ट थी, मेरे को चेस्ट मिली थी तो पहले इस चेस्ट को मैं ले लेता हूँ। मेरे को यहाँ पे कॉपर की वापस मिल चुकी है, मेरे को एक दो कैक्टिवा पकड़ने, 3 कैक्टिवा पकड़ूंगा तो काम बन जाएगा, रुक जाओ गाइस। ओके ये देखो भाई एक कैक्टिवा मेरे को मिल चुका है, 2 कैक्टिवा मिल चुके हैं गाइस। ठीक है मेरे को इनको पकड़ना है, तो पहले मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इस बैट को यहाँ पे। अब मजा आएगा देखो, मारने का मजा आएगा। चल मेरे पास आएगा तू, मेरे पास आएगा और बस अब मेरे को, ओए भाई धोखा हो गया मेरे साथ, अपनी कैक्टिवा को मार रहा हूँ मैं। वहाँ पे एक और कैक्टिवा दिख रहा है तो उसको पकड़ लाते हैं भाई, क्योंकि कैक्टिवा माइनिंग के काम बहुत आता है, तो उसको ले चलते हैं वहाँ पे अपने बेस में। 3 कैक्टिवा रख देंगे आराम से भाई, एक क्योंकि एक कैक्टिवा तो पहले से ही है वहाँ पे। रुक जा भाई कैक्टिवा, कैक्टिवा क्यों भाग रहा है। ओ गाइस मैं यहाँ पे कहीं पर आया था कैक्टिवा को पकड़ने को, और गाइस यहाँ पे मेरे को बहुत ही औसम चीज़ें मिल रही हैं। स्किल्ड आइलैंड, ओके यहाँ पे स्किल्ड आइलैंड है ये, और यहाँ पे एक नाम है इस बंदे का, स्किल्ड आइलैंड। वाह यू आर अ न्यू फेस, डू नॉट टेल मी। वाह मेरे को अब बता रहा है भाई पैल पकड़ने के लिए तुमको एक्सपी मिलेगा, वाह भाई ये सब मेरे को पता है। चल भाई देखो मैं मार सकता हूँ कि नहीं मार सकता हूँ, पटक के मार सकता हूँ मैं तेरे को भाई। यहाँ पे मेरे को एक ग्रीन कलर का स्टफ दिख रहा है जो मेरे को उस टाइम भी मिला था, लीफ मंक फ्लिक्स मिल चुका है। और यहाँ पे एक और चीज़ मेरे को दिख रहा है गाइज, ये क्या है, ओ ये तो मेरे को पहले दिन मिला था जब मेरे को वो मिला था, जनरल पिकअप कास्टवे जनरल डे XXX, मतलब 20 डे 20 का ही दिखा रहा है। ठीक है अभी मेरे को यहाँ पे वैसे आना नहीं है, मैं इसको सोच रहा हूँ अगले एपिसोड में इसको क्लियर करूंगा। पहले चलते हैं भाई अपने कैक्टिवा के पास, मतलब अपने बेस पे, बेस पे आराम से फास्ट ट्रेवल कर सकता हूँ मैं वहाँ से, तो पहले चलते हैं अपने बेस पे और बेस पे जाके अपनी कैक्टिवा को लगाते हैं, और वहाँ पे गाइज अपने आप मेरी कैक्टिवा माइनिंग करेगी भाई। मैं कैक्टिवा को लेके जा रहा हूँ माइनिंग करने के लिए, फायदे में रहूँगा। तो गाइज मैं फास्ट ट्रेवल करके अपने बेस में आ चुका हूँ, और गाइज यहाँ पे शायद मेरा बेस अपग्रेड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता अभी। तो यहाँ पे देखो एक कैक्टिवा लगी हुई है माइनिंग के लिए, तो पहले यहाँ पे मेरे को 2 कैक्टिवा और लगानी है। यहाँ पे भाई एक इसको लगा देते हैं, एक कैक्टिवा और लगा देते हैं, रुक जाओ एक कैक्टिवा ये लगा देते हैं यहाँ पे। भाई ये जो कैक्टिवा हैं सब माइनिंग करेंगी, और ये यहाँ क्यों माइन कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ भाई इसको तोड़ना पड़ेगा तब जाके ये वहाँ माइन करेंगे। ये मेरा, ओ भाई मेरा एक चीज़ टूटी हुई, मेरे को उसको रिपेयर करनी है पहले। ये रहा रिपेयर बेंच, और इसको मैं रिपेयर कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो गाइज, ये देखो तो मेरी 3 कैक्टिवा माइनिंग में लग चुकी हैं, देख सकते हो भाई यहाँ पे माइनिंग में लग चुकी हैं, माइनिंग करेंगे यहाँ पे। फिर वुड वाला मेरे को हिसाब से वुड वाला कोई दूसरा ढूंढना पड़ेगा, और ये तो पैंगलॉट करेगा इतना मेरे को पता है, लेकिन नो आइटम इसमें अभी तक कोई आइटम नहीं है, तो मेरे को इसमें आइटम डालने पड़ेंगे मेरे हिसाब से। आइटम मैंने डाला,
और यहाँ पे शायद से पैंगलॉट आएगा इधर वाटर करने के, जैसे वो वहाँ पे वाटर कर लेगा। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे भाई अंडे का फंडा चल रहा है, यहाँ पे देख रहे हो मेरे को बहुत सारी चीज़ें मिल रही है भाई, मतलब इतनी सारी इक्विपमेंट लगा के भाई बहुत ही ज़्यादा औसम हो चुका है। यहाँ पे एक पावर स्टैचू भी लगा रखा है, मैं इसको इन्हेंस कर सकता हूँ, लेकिन करंटली ओ भाई मैं इनसे इन्हेंस कर सकता हूँ। ये जो मैं कलेक्ट कर रहा था लीफ मंक फिगर्स करके जो मैं इक्विप कर रहा था, मतलब जो लेके आया था, वो यहाँ लगते हैं। ठीक है, मेरे को चार उसकी जरूरत पड़ेगी तब जाके ये लेवल 2 का होगा। मेरे पास अभी एक है क्योंकि मैं अभी लेके आया था उसको। ओ भाई एक बेड मेरे को लगाना पड़ेगा क्योंकि गाइस मेरा एक जो पहले वो विदाउट बेड के सो रहा है। इनके लिए घर भी बनाना है गाइस मेरे को। वुड नहीं है भाई, रुक जाओ भाई, मेरे पास वुड फार्म रखा हुआ है भाई। अब देखो ये है गया, देखो वहाँ पे पैंगलॉट वाटर डाल रहा है इस पे, तो ये अपने आप चेंज होता रहेगा। एक मिनट, यहाँ पे मेरे को एफ दबाना पड़ेगा, यहाँ पे काटना चालू करेगा ये, और यहाँ पे अपने आप वुड आ जाएगी। मतलब टाइम लगेगा आने में वुड, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। इससे अच्छा मैं एक वुड काट के ले आता, ज़्यादा इजी रहता, उससे ज़्यादा जल्दी वुड तो गाइस इसमें मिल जा रहा है मेरे को। भाई मेरे को कोई ऐसा वो चाहिए हो जो लकड़ी काटता है। लकड़ी कौन काटता है? मैं लेवल 9 का हो चुका हूँ। ओ भाई मैं लेवल 9 का हो चुका हूँ, मेरे को चेक करना है कि लकड़ी कौन काटता है भाई। अगर कोई लकड़ी काटता होगा तो मेरे को उसको लाना पड़ेगा यहाँ पे। जो मेरी कैटिया है वो तो सिर्फ माइनिंग करती है। लगा दिया गाइज यहाँ पे बेड, अब यहाँ पे अपना बिल्ड कर देंगे बेड। और गाइज अपना बेस सेट है, देख सकते हो गाइज अपना बेस फुली सेट है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे अपना बेस पूरी तरीके से सेट हो चुका है। यहाँ पे अनलिमिटेड वुल मिल रहा है, यहाँ पे अनलिमिटेड गाइज स्टोन मिल जाएंगे मेरे को जब मेरी कैटिवा काटेंगे। और गाइज यहाँ पे मेरे को बस एक वुड कटर की जरूरत होगी, तो गाइज वो वुड यहाँ पे अपने आप कट होते रहेंगे। और गाइज यहाँ पे एक पता नहीं ये क्या बोलते हैं क्रशर लगाया, इससे शायद मेरे आइटम शॉर्ट होंगे या फिर कुछ होंगे, मेरे को इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन गाइज यहाँ पे अपना बेस देख सकते हो भाई पूरी तरीके सेट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो अपना घर है भाई, घर में वैसे मैंने सिर्फ बेड लगाया और कुछ नहीं लगाया। और गाइज अपने पास पोकेमॉन भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं भाई, अपना बेस देख सकते हो फुली भाई ऑसम हो चुका है। देख सकते हो गाइज फुली ऑसम हो चुका है। वहाँ पे मैंने एक पावर स्टैचू भी लगाया, मैं एक और चीज लगा सकता हूँ। रुक जाओ गाइज, एक चीज मेरे को और लगानी है भाई, वो बहुत ज्यादा पैर लगे मुझे लग रहा है। हाँ डिफेंस के लिए अलार्म बेल भाई, ये अलार्म बेल मैं लगाता हूँ कहाँ पे? बीच में लगाऊंगा गाइस, बीच में बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे बिल्कुल प्यारा लगेगा भाई ये। यहाँ पे इसको बिल्ड कर देते हैं, अपने सारे पोकेमोन आएंगे बिल्ड करने के लिए। भाई कितने बंदे आ गए बिल्ड करने के लिए, देख रहे हो भाई, देख रहे हो भाई बेस पूरा सेट हो चुका है अपना। और गाइस यहाँ पे अपनी अलार्म बेल बन चुकी है, ये भाई अलार्म बज चुका है, सब लोग भागने चालू हो चुके हैं। तो गाइज यहाँ पे अपना बेस पूरा तरीके से सेट हो चुका है, बस गाइज मेरे को वो जो वहाँ पे रखा हुआ है जिसमें मेरे पैर रिकवर होते हैं गाइज, उसको उठा के मेरे को बीच में रखना पड़ेगा, वरना भाई ये एरिया पूरी तरीके से कवर नहीं कर पा रहा है। ऊपर का एरिया कवर कर रहा है, ऊपर की जरूरत नहीं मेरे को भाई, नीचे के एरिया की जरूरत है जो मेरा मेन एरिया है, तो इसकी जरूरत है। और गाइज मैं एक पोकेमॉन पकड़ना चाहता था, वो गाइज पोकेमॉन मेरे को आज दिखाई नहीं भाई, वो पोकेमॉन मेरे को दिखा नहीं भाई। इससे पहले एपिसोड में इस बंदे ने जो मैमोथ नाम का बंदा है भाई, इसने उसको मार दिया था, इसको भी मेरे को पकड़ना है, इसको तो मैं आराम से पकड़ूंगा। लेकिन गाइज मैं अगले एपिसोड में जाऊंगा भाई ये जो एरिया भाई आप लोगों को दिख रहा है एक्सप्लोर करने, क्योंकि गाइज मैंने अभी तक एरिया एक्सप्लोर नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने बेस पे काम किया, जिसे गाइज मेरा बेस लेवल 7 का आराम से हो चुका है। और गाइज मेरे को 30 पैल्स भी पकड़ लें, जिसे गाइज मैं लेवल अप हो सकता हूं, और मेरे को बॉस को भी चैलेंज करना है जो टावर बॉस है, जो वहाँ पे गाइज ये जो टावर दिख रहा है आप लोगों को, ये टावर ये है अपना मेन बॉस, जो इस एरिया का मेन बॉस है, मेरे को इसको हराना है। तो गाइज बहुत ही ज्यादा मजा आना अपनी जर्नी में, तो मिलता हूं मैं आपको अगले एपिसोड के साथ। मेरे कमेंट बॉक्स में यही बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और गाइज मेरे कमेंट बॉक्स में यही बताना कि इसमें और क्या क्या चीजें मैं लगा सकता हूं, और क्या क्या चीजें अपग्रेड कर सकता हूं। तो मिलता हूं मैं आपको अगले एपिसोड के साथ। थैंक्स वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।